सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कल जो आपने प्रॉपर्टी रात को देखी थी वो सुबह में कुछ ऐसी दिखती है और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। तो कल जब मैं आया तो मतलब मुझे इतना फील नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे मोशन सिकनेस मुझे होने लग गई और मेरे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया था यहाँ पे सोना, बिकॉज़ ये 11,400 हाइट पर है, 11,400 फीट की हाइट पर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है। और जब पहले दिन आदमी आता है यहाँ पर तो उसको ये मेक श्योर करना है कि वो एटलीस्ट यहाँ पे आने के बाद 6 से 7 घंटे एटलीस्ट सोए, या अगर उसको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा दिक्कत महसूस होती है तो पूरा एटलीस्ट एक दिन रेस्ट करे, क्योंकि ये जगह नॉर्मल दिल्ली मुंबई गुड़गांव की तरह नहीं है। ये ऑक्सीजन भी कम है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है इतनी ज़्यादा, कुछ रीजन्स में होती है कुछ रीजन्स में नहीं होती है, और यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी अगस्त में ही आती है, तो वेजिटेशन की भी थोड़ी यहाँ दिक्कत है। और मतलब यहाँ पे वो क्लाइमेट श्रीनगर वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेट है, बट कोल्डर और विंड्स बहुत है, तो आपको बीनीज पहननी पड़ेगी ताकि आपके कान ठंडे ना हो जाए। अभी थोड़ी हवा कम थोड़ी है, मतलब आप देख सकते हो पीछे फ्लैग्स जो आपके वेव हो रहे हैं, थोड़ी कम हवा है अभी, बट शाम को इतनी तेज़ हवा होती है कि आपके कान में हवा लगने लग जाती है, तो बीनीज पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर ने हमें उतार दिया है और हम आज मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं लेकी। सर ठंडा पहले काफ़ी टाइम लगता है सब आने में, हम पहले दिस वॉज किलो क्लॉथ, काफ़ी टाइम लगता है सब आने में। देखिए सर कितनी इसका प्राइस है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, लद्दाख बहुत मतलब फेमस है सर ठंडा पेंट। थैंक यू सर सो मच। हमें पैलेस देखना था और हम यहाँ पहुँच गए, अब थोड़ी बहुत चिड़िया और ऊपर चढ़नी है, काफ़ी नीचे से आए हैं, सांस फूल रही है यार, बस थोड़ी सी और चढ़ाई है मेरा कैमरा, अभी काफ़ी नीचे तो आ गए हैं। मैं आपको एक सेकंड हाइट दिखाता हूँ कि हम कितनी हाइट पर हैं। 11,400 फीट पर तो थे ही थे, अब मुझे लगता है और 2-400 फीट ऊपर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पैलेस से सांस फूल गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा है पूरी सिटी का। इंक्लाइन हमने स्टार्ट किया था वो येलो कलर वाली मस्जिद से जो मार्केट में थी, और हम यहाँ तक आ गए, विच इज़ अराउंड 300-400 फीट। चलो यार फाइनली पहुँच गए, यहाँ आ गए अपना महल। टिकट बड़ी सस्ती थी यहाँ की, सिर्फ 25 रुपीस की। ये ले पैलेस की गैलरी है और रास्ता तो बहुत ही छोटा है। कचुमा का मतलब कि पिलर को हम लद्दाख में काब होता है, तो उस टाइम दास ही पिलर था, उसी लिए कचुमा बोलता है। इस रूम में पूरा जगह जगह से लद्दाख का जिन्ना भी पहले तो वहाँ से राजा लोग आके यहाँ पे मीटिंग होता है, मीटिंग हॉल है राजा का, पूरे हर जगह लद्दाख का राजा लोग आके यहाँ पे मीटिंग होता है। छः फुट के लोगों के हिसाब से डोर बनाए नहीं है, क्या क्या है खोदक रॉयल श्राइन। हम वहाँ उस मस्जिद से आए थे और यहाँ इतनी हाइट पे आ गए। हम फोटो एग्जीबिशन वाले एरिया में आए हैं, बट यहाँ पे तो कोई एग्जीबिशन लगी नहीं है, बट व्यू बहुत अच्छा है, यही मिलेगा आपको व्यूज़ ही व्यूज़। ना फिर से एक छोटा रास्ता, ये एक्चुअली मेरी गर्दन पे आता है लिटरली। द गैलरी लिटरली सारी डिटेल से रखी है, दिस इज द लद्दाख गैलरी। ओके ये वॉल पे पेंटिंग्स बना रखी है मैंने, अभी नोटिस किया जस्ट।
एट लेवल 5, इसके करीब आई थिंक 7 से 9 लेवल बताए गए हैं। ऑडियो विजुअल हॉल, इफ यू कैन सी अंदर एक वीडियो प्ले हो रही है। अब हम आ गए एकदम छत वाले फ्लोर पे, देखते हैं और सीन कैसा होता है। ये था लेवल 7, वो है लेवल 8, एंड दैट इज लेवल 9। तो गए ऊपर तक, व्यू भी ले लिया, नीचे उतरने का अलग टास्क है। आई थिंक वो भी कोई रॉयल पैलेस या कुछ होगा आई थिंक। ओ यार, एक खड़ी सीढ़ियाँ, बेयर ग्रिल बना दोगे मुझे अब तो इसके बाद वही बचा हुआ है। देख रहे हो कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे शायद 200 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी तब जाके नीचे जाएंगे। ये सारी इस पैलेस की हिस्ट्री है, मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको यू नो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर तो यहाँ के गाइड बता सकते हैं, बट गाइड ने मना कर दिया है हमें बताने से, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आ सकते। तो मैं इसका फ़ोटो वगैरह खींच के आपको पोस्ट कर दूंगा, बाकी आप तो नेट से देख ही सकते हैं। ये लो, कैमरा की बैटरी भी एग्जॉस्ट हो गई, अब हमें फिर वहाँ नीचे जाना है, तो वही वाला शॉर्टकट ले लूँ जहाँ से मैं आया था। भाई रास्ता हमने कवर कर लिया, बस अभी छोटी सी गली और उसके बाद हम वापस रोड पर। बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस बहुत इंट्रिकेट है यहाँ पर, तो ये कितना ही पुराना होगा, पता नहीं किसने बनाया होगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग शॉप्स है, ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स है, और आप इसके भी डिज़ाइंस बहुत ही इंट्रिकेट है, कितने ज़्यादा डिटेलिंग है। ये आपका स्टोर है? ठीक है, ऑथेंटिक हैंडमेड। हाँ जी, और ये भी आपका स्टोर है? जी, अभी मैंने इसका लिया तो था जब जाते हुए। हाँ जी, थैंक यू सर, वेलकम सर। शॉप वाले वो कार्ड है, तो कभी आप आएँ तो इनसे ज़रूर सामान लीजिएगा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है। देखिए यहाँ की फेमस शान है ये वाला, क्योंकि ये पैलेस के अपोजिट में है। हाँ, ये देखिए सर, यहाँ से व्यू देखिए, पैलेस के अपोजिट है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें आपको सिल्वर ज्वेलरी मिलेगी, पश्मीना शॉल्स मिलेंगे और हर किस्म की टोपियाँ मिलेगी सर। हाँ जी हाँ जी, शालीमार कलेक्शन, परफेक्ट सर। और ये शॉप आपकी कितनी पुरानी है? ये 13 साल से, लगभग 2013 से सर। ये भैया का कार्ड है, ये यहाँ का लोकल वुमन हेड्रेस है सर जी, पेराक बोलते हैं, पेराक, जिसे शादी करते हैं। हाँ जी, तो वी कैन गिव एज अ डॉवरी टू आवर सिस्टर्स और डॉटर्स। अच्छा, ये लेकिन महंगा रहता है सर, बहुत महंगा रहता है। 1500 भी अपने पास। अच्छा, और बाद इस मार्केट की रौनक कितनी बदल जाती है। यह नाइट व्यू लद्दाख की मार्केट्स का, और अब देवेंद्र सर हमें लेने आते ही होंगे, तो हम उनके पास वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया था यहाँ से एंट्री हमने उधर से करी थी, और हम स्क्वायर मार्केट है, तो यहाँ सब सीधा जा रहे हैं। चिराग मेरे नाल ही बैठा हुआ, मैं आया सी मार्केट किसी काम से, दोबारा मैं आना पिया सी, तो मैंने फोन किया, मैं तू आ जा, तू मेरे नाल ही चल वापस, तो इन्हू मैं हूँ ही लैके चला उ शांति स्तूपा, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਪੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੀ ਅੱਜ, ਥੋੜੀ ਨਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਤੂਪਾ ਕੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ, ਸਿਟੀ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੋ ਫੁਟੇਜ ਤੋ ਅਭੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਵੋ ਫੁਟੇਜ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਆਏਗਾ।
सो अभी के लिए हम डिनर करने चलते हैं। इस पर अभी टाइम लैप्स रिकॉर्ड करके छोड़ रखा था ताकि मून की कुछ अच्छी सी यू नो एक टाइम लैप्स बन जाए, देखते हैं एग्जैक्टली आया कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गुड नाइट, टेक केयर।